गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 13वीं बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 2887 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं हरियाणा की नायब सैनी सरकार की तीर्थ यात्रा योजना का लाभ हरियाणा वासियों को लगातार मिल रहा है। कुरुक्षेत्र से अयोध्या धाम के लिए यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हरियाणा के विकास और हरियाणा वासियों की सुविधा सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 13वीं बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2887.32 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली। शहर की निगरानी, बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नए जल उपचार संयंत्रों का निर्माण होगा और मौजूदा की क्षमता बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही जल निकासी और सीवर उपचार क्षेत्रों का नेटवर्क मजबूत होगा। बैठक में कई एजेंडों पर सीएम की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा की गई। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक में उन प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई, जिससे गुरुग्राम महानगर के रहवासियों के लिए सुविधाओं में इजाफा किया जा सके। प्राधिकरण की बैठक में 422 करोड़ रुपए से सीसीटीवी परियोजना के चरण 3 के कार्यान्वयन को मंजूरी मिली है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 4000 सीसीटीवी से बढ़कर अब लगभग 14000 सीसीटीवी शहर में लगेंगे। सेक्टर 45, 46, 51 और 52 के जंक्शन पर एक फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी मिली है, ताकि जाम से मुक्ति मिले। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सेक्टर 85, 86, 89, 90 के चौराहे पर 59 करोड़ की लागत से एक और फ्लाईओवर का निर्माण होगा। बैठक में सीएम का खासा फोकस सुरक्षा इसके साथ ही युवाओं पर दिखा और इसको लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। व्यापक नवीनीकरण परियोजनाओं को भी मंजूर किया गया, जिसका मकसद एथलीटों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाना है, जिसमें नए प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मुहैया कराना है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रणालियां और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा, जिसे सुनिश्चित होगा कि स्टेडियम विभिन्न प्रकार के खेल आयोजनों और गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सुसज्जित है। प्राधिकरण की बैठक में खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचा विकसित करने पर बात हुई। इसके लिए 634.30 करोड़ की लागत से ताऊ देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन को स्वीकृति मिली है। चंदू बुधिरा में 78 करोड़ की लागत से 100 MLD जल उपचार संयंत्र इकाई संख्या 6 के निर्माण को मंजूरी मिली है। 247 करोड़ की लागत से बसई में 100 MLD जल उपचार संयंत्र इकाई संख्या 6 के निर्माण को मंजूरी मिली है। धनवापुर में मौजूदा मुख्य पंपिंग स्टेशन को 119 करोड़ रुपए की लागत से 650 MLD क्षमता तक बढ़ाने को भी मंजूरी मिली है। बैठक में 69.66 करोड़ रुपए की लागत से 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी मिली। बैठक में इन फैसलों से गुरुग्राम के निवासियों को सुरक्षित, विश्वसनीय, स्वच्छ और किफायती सिटी बस सेवाएं मिलेंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत को शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। यात्रियों के लिए आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये बसें नवीनतम तकनीक से लैस होंगी। NH-48 के साथ सेक्टर 76-80 में मास्टर स्टॉप वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर फैसला हुआ है। इसके लिए 215 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। गुरुग्राम के बहरामपुर में 120 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और धनवापुर में 100 MLD STP का उन्नयन होगा। इन दोनों परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 50.58 करोड़ और 75.40 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति मिली है। सेक्टर 107 में दो चरणों में 100 MLD के दो STP के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। वहीं इस बैठक के दौरान जिन अन्य विषयों पर चर्चा की गई, उनमें मुख्य रूप से जल निकासी सुधार योजना, कचरा संग्रहण, सिविल अस्पताल का निर्माण, नए बस स्टैंड का निर्माण जैसे मुद्दे शामिल रहे। वहीं शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज कुरुक्षेत्र से अयोध्या धाम के लिए यात्रियों की बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों का दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को निशुल्क हरियाणा रोडवेज की AC बस के माध्यम से अयोध्या धाम की यात्रा करवाई जा रही है। जिनका सोच, जिनका विजन, जिन्होंने अभी एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अभी हमने एक बस शुरू किया है जो अयोध्या में जा रही है और ये अयोध्या के लोग किस प्रकार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं अभी बस चंद्र भी गया था, सबसे आपके से मिला था, बड़ी खुशी की लहर है। तो ये अगर सोच है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है। इससे पहले हमने खाटू श्याम के लिए भी बस ट्राई भेजी है, उससे पहले हमने मथुरा वृंदावन भी बस भेजी है। तो मैं कहूँगा तीर्थ स्थलों पर बसें जानी चाहिए।
मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि इससे पहले थानेसर से श्रद्धालुओं की मांग पर श्री खाटू श्याम तीर्थ, मथुरा और कई तीर्थ स्थलों के लिए बसें चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा से संबंधित पूरी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हरियाणा के नायब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा के हर वर्ग को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, फैसले ले रही है और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि हरियाणा विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।